हेलो दोस्तों, डिजिटल मैग्नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स के URLs को गूगल सर्च में ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि आप जब कुछ सर्च करते हो किसी भी कंपनी के बारे में तो उसके नीचे ये प्रोफाइल सोशल नेटवर्किंग के सारे प्रोफाइल्स आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको हाउ टू ऐड सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक टू योर इन योर गूगल सर्च इंजन। ये जो हम ऐड करते हैं वो स्कीमा के थ्रू करते हैं। स्कीमा वो फंक्शनैलिटी है जो सर्च इंजन को सजेस्ट करती है कि आपको किन किन चीज़ों को मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले इंडेक्स करना है। तो ये स्कीमा का जो कोड है उसका लिंक आपको नीचे दिया गया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कंटेंट होता है वो स्कीमा रहता है, उसका टाइप में हम जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका नाम डालते हैं। उसके लिए नेम फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं मैंने नेम के आगे कंपनी का नाम डाल रखा है। उसके बाद URL में जो कंपनी की वेबसाइट होती है वो डालते हैं। वेबसाइट डालने के बाद सेम एज़ एक ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स की URL के लिए ऐड करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, यूट्यूब का और अपने वेबसाइट का URL यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ये हमारा कोड हो गया है तैयार। तो ये कोड तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका कोड है वो आपको वेबसाइट के हेडर के मेन में हेडर पेज में डालना है ताकि ये पूरे वेबसाइट के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो सके। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप इसको ऐड कर सकते हैं। हम इस कोड को चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास फंक्शनैलिटी है, जैसे आपको एक URL है गूगल, जो स्ट्रक्चरल डाटा होता है उसको चेक करने के लिए गूगल ने एक हमें फ्री टूल्स दे रखा है उसका हम यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे यूज़ करते हैं। इसमें जैसे ही आप जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक तो फैच URL के थ्रू कर सकते हो या आप कोड स्नाइपर के थ्रू कर सकते हो। तो अभी मैं आपको कोड स्नाइपर दिखा रहा हूँ कि हमने जो कोड किया है वो सही है या नहीं, वो देखने के लिए कैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना कोड पेस्ट करोगे। कोड पेस्ट करने के बाद आप उसको नीचे एक रन टेस्ट का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद जो टेस्ट रन होगा तो हमारे पास ये देखिए यहाँ रिज़ल्ट आ रहा है, यानी हमने जो कोड तैयार किया है उसमें 0 एरर 0 वार्निंग, यानी जो हमने जो किया है वो सही कोड है। तो अब आपको बस यही करना है कि इस कोड को कॉपी कर लेना है और अपने वेबसाइट के मेन पेजेस में ऐड कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आप जब भी आपकी साइट नेक्स्ट टाइम गूगल सर्च या कोई भी सर्च इंजन इसको इंडेक्स करेगा तो आई वो इस कोड के थ्रू सबसे पहले आपके जो ये मेन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के URLs होंगे उनको फैच करेगा और उनको अपने हर एक गूगल सर्च इंजन पे वो उसको शो कराएगा। तो ऐसे आप अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स को गूगल सर्च में ऐड कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।